कोविड का वैक्सीनेशन आवश्यक है और केंद्र सरकार के माध्यम से न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में हम ये वैक्सीनेशन भेज रहे हैं और मोदी जी ने पूरे देश को संदेश दिया है कि अगर कोरोना से लड़के हमें जीतना है तो सुनिश्चित करना होगा कि शासन के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन हो और निर्देशों के अनुसार हम सभी, अगर हम खुद भी लापरवाह हैं तो हम अपने परिवार के प्रति गैर जिम्मेदार हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम रोज की दिनचर्या की दौड़ में भूल जाते हैं कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। अभी कुछ समय पहले दो नए स्ट्रेन आए हैं, एक यूके स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है और एक अफ्रीकन स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। जो वैक्सीनेशन लग रहे हैं शासकीय पूर्णतः सुरक्षित है। हमारा पूरा जो स्वास्थ्य का फ्रंटलाइन जिनको कोरोना योद्धा की संज्ञा दी गई है उन्होंने सबसे पहले लगवाए, तत्पश्चात 65 साल की उम्र वालों को लगे, फिर 45 के ऊपर वालों को लग रहे हैं जहाँ कुछ बीमारियाँ रही हैं पहले, और पूर्णतः सुरक्षित है। मैंने खुद ने अभी लगवाया है, यहीं इसी बदनावर के शासकीय अस्पताल में लगवाया है। और इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आप सब आके लगवाएं। अभी कल मेरी अनुभागीय अधिकारी महोदय से बात हुई, कह रहे थे कि गांव में जहाँ 70-70 का टारगेट है कुछ लोग संकोच कर रहे हैं लगवाने से, कुछ भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं कि कहीं कोई ब्लड क्लॉट होते हैं, कहीं कुछ परेशानी होती है, कोई कमजोरी आती है, चक्कर आते हैं, बुखार चढ़ता है, मुझे पता नहीं। मैंने अभी लगवाया 5 मिनट पहले, लेकिन मैं आपकी दिनचर्या आपको बता रहा हूँ। आज मैं इसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में जाऊँगा, 10-20 मिनट रेस्ट करने के बाद पीथमपुर में इंडस्ट्री की समीक्षा में करूँगा। तत्पश्चात अगले दिन 23 तारीख है, वहाँ मुख्यमंत्री जी द्वारा हो रहे कार्यक्रम में भाग लूँगा। सामान्य दिनचर्या में अपनी जीऊँगा। तो मैं इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब भी ऐसा कर सकते हैं और सुरक्षित आज महसूस न सिर्फ मैं खुद करूँगा बल्कि मेरे आसपास वाले परिवार वाले हमारे कार्यकर्ता सब लोग करें। तो हमारा दायित्व है वैक्सीन लगाएं और 28 दिन बाद पुनः मैं यहाँ पे आऊँगा। 20 अप्रैल का मुझे बताया गया सिस्टर के द्वारा, इन्होंने मुझे वैक्सीन